हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये अभी जस्ट नीट में आया था यार, ठीक है। ये क्या कहता है कि अगर एक पुली है, उस पुली में दो ब्लॉक्स लगे हुए हैं और एक ब्लॉक्स M2 है, एक ब्लॉक्स M1 है, और M1 इज ग्रेटर देन M2, M1 इज ग्रेटर देन M2, M1 की जो वैल्यू है M2 से अधिक है। हम सबको पता है ये सिस्टम पहले ही करके आए हैं, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन तो सेम रहता है, एक्सलेशन ऑफ N1 इज इक्वल टू N2 मॉड। तो ये जो मॉड है दैट मस्ट बी इक्वल टू ए, पर वेक्टर वेक्टर के हिसाब से दोनों सेम नहीं है क्योंकि ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। M1 अधिक है ना, देखो M1 अधिक है तो कॉमन सेंस की बात है कि जो सेंटर ऑफ मास है इन दोनों का, पहले वाले का सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, दूसरे वाले के यहाँ आएगा, और इस दूसरे का सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास M1 के पास है क्योंकि M1 की मास अधिक है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास भी डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा। तो हमें एक्सलेशन निकालना है, फाइंड एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन निकालना है ना। क्लियर हो गया। तो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आप अपने पास डायरेक्ट फार्मूला, यार एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है एम ए वन एंड प्लस एम ए टू एंड डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, ये एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। दिस इज द एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू मास सिस्टम, ठीक है, क्लियर है। चलो तो अब सबसे पहले ये एम वन ए वन नीचे आ रहा, तो इसको मैं एम वन ग्रेटर है तो ये माइनस एम वन ए वेक्टर में निगेटिव साइन नीचे ले लिया हूँ, ऊपर है तो एम टू ऊपर प्लस ले लिया हूँ, तो ए कॉमन ले लिए तो ए कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एम टू माइनस एम वन, एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, एंड दिस इज द एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन स्केलर फॉर्म। तो ये स्केलर फॉर्म में सेंटर ऑफ मास इतना आ जाएगा, अधिक है तो, और उसका एक्सलेशन नीचे है वो माइनस जे कैप, और एम टू ऊपर है तो वो प्लस जे कैप है। अब ऐसे सिस्टम में आपको पता होगा, ठीक है, ऐसे सिस्टम में आपको पता है कि अगर यहाँ जो एक निगेटिव साइन आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा इसको आप समझना, इसको ये अगर मैं इसको लिखूँ ऐसे माइनस ए M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है, J कैप, ठीक है। तो ये जो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है क्योंकि M1 अधिक है, तो ये फैक्टर जो है, ये फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव होगा एक्सलेशन, और ये जो निगेटिव साइन आ रहा है वो बता रहा कि एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो निगेटिव J कैप में, मतलब डाउनवर्ड। तो जब इसका मैग्नीट्यूड लोगे, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो स्केलर फॉर्म में, तो इसका जब मैग्नीट्यूड लोगे तो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आ जाएगा, एक्सलेशन ऑफ सेंटर मास वो A M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है, M1 प्लस M2, या तो इतना लिख दो या इतना भी लिख सकते हो, पर इसमें साइन थोड़ी सी अलग है। तो ये जो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ये स्केलर फॉर्म में इतनी मैग्नीट्यूड से नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। चलो अब ये जो है आपको एक्सलेशन पता होगा, इस सिस्टम का एक्सलेशन आपको सबसे पहले पता होगा, याद होगा, इस सिस्टम का जो एक्सलेशन होता है, इस सिस्टम का एक्सलेशन वो होता है M1 माइनस M2, M1 माइनस M2, और M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 और मल्टीप्लाइड बाई जी। अगर ये ले जाके यहाँ रख दोगे तो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आ जाएगा वो आ जाएगा M1 माइनस M2 और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर दूँ जी से, ठीक है। तो दिस इज द एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन आ जाएगा, क्लियर है। तो ये एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको आप ए के टर्म में भी लिख, ए के टर्म में भी, एम वन अपन एम टू की जो वैल्यू है, एम वन अपन एम टू की जो वैल्यू है वो है ए स्क्वायर ओवर जी स्क्वायर, ठीक है, और यह आ जाएगा जी, तो यह आ जाएगा ए, यह आ जाएगा ए का स्क्वायर अपन जी। This is also the same expression, acceleration of center of mass, और center of mass vertically downward move करेगा, accelerate करेगा, ठीक है, इन दोनों का, clear है। चलो तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक और तरीका है इसको करने को, ये जो है सेकेंड मेथड, इसको मैं बता देता हूँ, आप इसको
सेकेंड मेथड से भी कर सकते हो। एक और मेथड बता देता हूँ जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी ये रिसेंट नीट में आया था यार। अगर एक ब्लॉक है, एक पुली है, ठीक है, पुली है, और उस पुली में अगर ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला, ये M1 है और ये M2 है। अब एक काम करो, इन दोनों को एक ब्लॉक ट्रीट करो, इन दोनों को एक ब्लॉक ट्रीट करो। तो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है, एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी, नेट फोर्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। तो नेट फोर्स इस पे डाउनवर्ड लग रहा है, इन दोनों को मैंने एक 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 ब्लॉक ट्रीट कर रहा हूं, तो नेट फोर्स इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो नेट फोर्स लग रहा है M1 प्लस M2G माइनस 2T डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अरे ये बात समझ में आया, इन दोनों को मैं एक एक ब्लॉक ट्रीट कर रहा हूं, तो नेट जो डाउनवर्ड ग्रेविटी M1 प्लस M2G और मल्टीप्लाइड बाई 2 टेंशन ऊपर और M1 प्लस। अब अगर आपको टेंशन याद है तो डायरेक्ट यहाँ टेंशन की वैल्यू रख दो और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये आ जाएगा कि नेट फोर्स जी माइनस 2 और टेंशन T की वैल्यू 2 M1 M2 G और ये आ जाता है M1 प्लस M2 और ये M1 प्लस M2 यहाँ से आ जाएगा और एक और M1 प्लस M2 पहले से था तो ये स्क्वायर चढ़ जाएगा। मतलब ये आ जाएगा G कॉमन हो गया और इसको जब सॉल्व कर लोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो G कॉमन ले लिया, 4M1 M2 आया, M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, तो ऊपर में आ जाएगा M1 माइनस M2 और M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई जी, दैट इज द एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि M1 में M2 को घटाते हो या M2 में M1 को घटाते हो, बिकॉज स्क्वायर चढ़ा हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास जो है स्क्वायर चढ़ा हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर फैक्टर आ रहा है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस ए के होल के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। बट ये कि ये जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा सही है, क्योंकि ये वेक्टर को नेगेटिव साइन में लेके आया हूँ और ये बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास नीचे एक्सेलरेट होगा, इतनी उसकी मैग्नीट्यूड होगी। क्लियर है? तो इस ए वाला आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दो मेथड से बताया, ये भी बताया कि सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा है, कितने से जा रहा है।